हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपना सिस्टम दिखा रहा हूँ आपको। जेड एच पी जेड 820 है। इसमें डस्टिंग बहुत ज़्यादा आ गई है, मिट्टी इतनी आ गई है कि मेरे रेंडिंग स्लो हो गई है। मैं आपको रेंडिंग भी दिखा रहा हूँ। ये रेंडिंग हो रही है लेकिन स्लो हो रही है, तो उसकी एक वजह यह भी होती है कि फ़ैन में कचरा बहुत ज़्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से सिस्टम हीट गर्म होना शुरू हो जाता है। जो गर्म होने लगता है तो प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है। तो अब इसका वक्त आ गया है सफाई का। तो आज मैं आपको सिस्टम खोल कर दिखाऊंगा कि मेरे सिस्टम में क्या क्या चीज़ें लगी हुई है। अच्छा, ये है ब्रांडेड सिस्टम है, एच पी 820 है। डुअल प्रोसेसर है, 8 कोर के और 128 GB रैम है इसमें, और ग्राफिक कार्ड लगा हुआ एनवीडिया के 4000, वो भी मैं आज दिखाऊंगा आपको। अच्छा, ब्रांडेड सिस्टम में एक बड़ी चीज़ ये होती है कि इसमें स्क्रू ड्राइवर स्क्रू वगैरह कुछ भी नहीं होता है, क्लिप्स होते हैं, सारे क्लिप्स से निकल जाता है। तो आज मैं इसकी सफाई भी दिखा देता हूँ और अंदर से भी दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब मैं इसमें लाइट मारता हूँ, अगर आपको दिखे, देखिए ये दिखा लाइट एक। तो आप देखें यहाँ कितनी डस्टिंग है, मिट्टी से भरा हुआ है ये सिस्टम मेरा भी। और मैं आपको अंदर से भी दिखाऊँगा कि ये देखें, दिखा आपको। जब ये इतनी डस्टिंग हो जाती है तो सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाता है और सही परफॉर्म नहीं दे रहा होता है। तो बाद समझते हैं कि पता नहीं क्या सॉफ्टवेयर मसला आ गया, या वायरस आ गया, या विंडोज़ का इश्यूज आ गया। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ हार्डवेयर का भी इशू आ सकता है। और क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि डस्टिंग जब आता है तो फ़ैन में अटक जा, फ़ैन में ज़्यादा आती है डस्टिंग और फ़ैन स्लो हो जाता है काम करना, और जिसकी वजह से सिस्टम गर्म होने लगता है और उसके बाद फिर रेंडिंग स्लो होने लगती है। तो आज हम इसकी जो डस्टिंग करेंगे, क्योंकि मैंने इसके लिए स्पेशली एयर ब्लोअर लिया हुआ है, और उससे हम उसकी हवा हवा प्रेशर से मार के उसकी सारी मिट्टी वगैरह हम निकाल देंगे। और मुझे क्योंकि होता ही है हमेशा हर वक्त 2 महीने 2 या 3 महीने बाद ऐसा हमेशा आती है प्रॉब्लम, तो मैं हर 2-3 महीने के बाद उसकी डस्टिंग ज़रूर करता हूँ, सफाई ज़रूर करता हूँ। फिर इसके बाद परफॉर्म अच्छी हो जाती है, बेहतर हो जाती है। तो अब मुझे आज मैं सिस्टम में बैठा हुआ था तो मुझे काफ़ी स्लो लग रहा था, तो मैंने हर चीज़ एरर देखने के बावजूद एरर देखने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि दोबारा डस्टिंग का ही प्रॉब्लम है। तो आज मैं आपको सिस्टम भी अंदर से खोल के दिखा देता हूँ कैसा क्या नहीं है। चलें देखते हैं आज सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम उसकी सफाई करेंगे। और ये मैंने एयर ब्लोअर लिया हुआ है, ये तकरीबन 550 वोट का है, और इसकी आज सफाई करेंगे। बहुत ज़्यादा इसके अंदर मिट्टी जम गई है जिसकी वजह से परफॉर्म सही हो नहीं रहा। अच्छा, ये जो सिस्टम है ये तकरीबन 35 kg तक है, बहुत हैवी सिस्टम है, उसको उठाने में बहुत एक्सरसाइज हो जाती है एक तरीके से, ठीक है। अच्छा, मैं आपको इसमें दिखाना चाह रहा था, अब मैं इसकी टेस्टिंग करूँगा। शान बेटा पढ़ना सुविधा रखना, ठीक है। अच्छा, पहले चीज़ ये खुलती है, इसको हम यहाँ से खोलेंगे। पहले यहाँ से खुल गया, ठीक है। और ठीक है, अब ये हमने निकाल दिया, अब ये वाला भी इस तरह ही निकलेगा। देखिए इसमें कहीं पे भी स्क्रू वगैरह नहीं है, मैं आपको दिखाने के लिए। और ये देखें, ये पूरा यूँ निकल जाता है। अब देखें इसमें मिट्टी कितनी पड़ी हुई है, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितनी सारी मिट्टी इसके अंदर है, और जिसकी वजह से मेरा सिस्टम बहुत स्लो चल रहा है। तो हम इसकी सफाई करेंगे। ये 2 प्रोसेसर लगे हुए हैं, इस पर भी बहुत मिट्टी है। रैम में देखें, थोड़ा करीब लेगा बेटा, ये बिल्कुल रैम में भी मिट्टी वगैरह है सारी, ये हार्ड डिस्क वगैरह इधर भी मिट्टी वगैरह है। और ये पावर सप्लाई है बड़ी सी, ठीक है। ये फ़ैन इधर कोने में लगे हुए हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये फ़ैन कोने से लगे हुए हैं, इसमें भी मिट्टी है सारी। ये देखें, ये सारी मिट्टी जमी, जिसकी वजह से मेरा सिस्टम बहुत स्लो चल रहा है। अमूमन लोग क्या करते हैं, अमूमन लोग क्या करते हैं कि बाहर से सफाई कर लेते हैं लेकिन अंदर से नहीं करते। असल सफाई अंदर की होती है, लोग इस बात को समझते नहीं, फिर उनका सिस्टम प्रॉब्लम कर देता है। ख़ास तौर पर क्या होता है कि डस्टिंग में क्या होता है, जब मिट्टी ज़्यादा आ जाती है तो आपकी पावर सप्लाई उड़ जाती है, सबसे मेन प्रॉब्लम ये आती है, स्लो हो जाती पावर सप्लाई भी है उसका, फ़ैन पीछे का काम करना छोड़ देता है। अगर ऐसी पावर सप्लाई हो ना लो क्वालिटी की, तो
तो उसका फ़ैन सबसे पहले उड़ता है पीछे का। देखिए यहाँ पर भी डस्टिंग है, हार्ड डिस्क में भी डस्टिंग आई हुई, सारी मिट्टी भरी हुई है, यहाँ पर भी पूरी मिट्टी भरी हुई है। तो ये मेरा ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, इंशाल्लाह अभी ये सफाई करने के बाद फिर आपको मैं प्रॉपर दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अब इसकी सफाई स्टार्ट करते हैं हम। देखिए ये मेरा सिस्टम है, ये दो प्रोसेसर लगे हुए हैं, 8 कोर के ये, 8 कोर के ये, तो ये मेरा टोटल हो गया 16 कोर। और ये मेरा ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, ये है 3 GB का है, एनवीडिया है, क्वाड है K4000, 3 GB का मेरा ग्राफिक कार्ड है। और जो मेरी रैम लगी हुई है टोटल 128 GB रैम है, ये रैमें सारी लगी हुई हैं, अभी भी 2-4 स्लॉट बाकी हैं, फ्यूचर में लगाना हो तो लगा लूँगा। ठीक है, ये 2 फ़ैन अलग से भी दिए हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये हार्ड डिस्क की जगह, ये पूरी इधर भी मेरे 2 फ़ैन लगे हुए हैं। ठीक है, अब देखें एक सिस्टम में कितने फ़ैन लगे हुए हैं, 2 ये लगे हुए हैं, 2 यहाँ लगे हुए हैं, और फिर इसके अलावा फिर यहाँ पर भी इधर लगा हुआ पावर सप्लाई पर भी लगे हुए हैं, फिर इसके अलावा इसके प्रोसेसर के अपने फ़ैन लगे हुए हैं, वो तकरीबन 4 लगे हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। आपने देखा डस्टिंग में कितना कचरा आया हुआ था, कितना सिस्टम में कितना कचरा आया हुआ था, और लोग अमूमन यही कंप्लेन करते हैं, खासकर सिस्टम में ही कंप्लेन ज़्यादा आती है कि उनकी पावर सप्लाई उड़ जाती है। उसकी वजूहत यही है कि पावर सप्लाई इसलिए उड़ती है कि उनके सिस्टम हार्ड पावर सप्लाई में कचरा आ जाता है, तो जब कचरा आ जाता है तो वो फ़ैन की रोटेशन कम हो जाती है, और जिसकी वजह से वो हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाता, गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो सप्लाई उड़ने के इम्कान ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये भी एक वजूहत है, और बाकी दूसरी वजह ये कि इलेक्ट्रिक वोल्टेज ज़्यादा आ जाए कम आ जाए, लेकिन ये पावर सप्लाई इतनी पावरफुल होती है कि ये वोल्टेज को कंट्रोल कर लेती है, हमें ऐसी पावर सप्लाई हमें नॉर्मल पावर सप्लाई से बेहतर होती है। अगर उसके बाद भी उड़ जाए तो कुछ अपनी भी गलतियाँ होती हैं जो लोग नहीं समझ पाते,
अब 2 महीने बाद मैंने इसकी सफाई की, आपने देखा कितना कचरा आया। हालांकि आप सऊदी अरब में इतना कचरा नहीं, लेकिन डस्टिंग आ ही जाती, मिट्टी आ ही जाती कहीं पर भी किसी भी जगह चले जाए, तो ये आपको खुद मेंटेन करना पड़ता है। 2-3 महीने बाद आप चेक करते रहें कि हाँ भाई ज़्यादा डस्टिंग हो, ज़्यादा मिट्टी आ गई है, तो आप उसको सफाई कर दीजिए। तो ये सारी चीज़ें, इसके अंदर भी एक हार्ड डिस्क लगी हुई है, साटा हार्ड डिस्क लगी हुई है, एसएसडी हार्ड डिस्क लगी हुई है, और ये नॉर्मल हार्ड डिस्क है, ठीक है। तो अभी हम इसकी पावर सप्लाई लगाते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये इसकी पावर सप्लाई है, यकीन करें 5-6 kg से कम नहीं है। तो हम इसको अब लगाते हैं, उनको नॉर्मल तरीके से, ना स्क्रू की ज़रूरत है ना किसी चीज़ की ज़रूरत है, ये सिंपल जाके न्यू फिट हो जाती है, ठीक है। ये फिट हो गई, बस इतना आसान है, ना स्क्रू की ज़रूरत है ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो ये पावर सप्लाई इस पर लग गई है। अब इसकी जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क की ट्रे होती है, इसमें हार्ड डिस्क फिट हो जाती है और लग जाती है। तो ये ब्रांडेड सिस्टम है, आपको ज़्यादा तो ब्रांडेड सिस्टम मिलेगा। ये देखिए सिंपल सा, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहले से, ठीक है। फिर इसके बाद हम दूसरी लगाते हैं, इसमें आप 4 हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। असल में इसमें रिडेंसी सिस्टम है, जो आईटी में उनको पता होगा रिडेंसी सिस्टम क्या होता है, तो वो इस वजह से भी ये हार्ड डिस्क लगती हैं यहाँ पर। बाकी आप डेटा वगैरह रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने बंद की इसको, ये बंद हो गई, ठीक है, ये बंद हो गई, ये बंद हो गई। सिंपल क्लिप सिस्टम है, हमें स्क्रू वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप ये देख ले, 2 प्रोसेसर वगैरह, ये अब इसके ऊपर जो फ़ैन आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। गैस का फ़ैन है, अब इसमें देखें आप कितने फ़ैन लगे हुए हैं। 2 प्रोसेसर के फ़ैन हैं, 2 एग्ज़िट फ़ैन हैं जहाँ से हवा निकल जाती है, ठीक है। ये देखें, हमें इतने फ़ैन लगने के बावजूद 1, 2, 3, 4, 5, 6 फ़ैन हैं, 6 फ़ैन लगे हुए हैं 2 प्रोसेसर के लिए। हम लोग 1 प्रोसेसर के लिए फ़ैन लगाते हैं, उस पर ये समझते हैं कि बहुत अच्छा कूलिंग हो जाएगा, लेकिन अब देख लें आपके सामने है, 6 फ़ैन के बावजूद कूलिंग में थोड़ा इशू आ ही जाता है। तो प्रोसेसर जितना ठंडा होगा उतना अच्छी परफॉर्मेंस होगी इसे। ये ज़रा सेट करना पड़ता है, लेकिन हो गया, पहले इसको हो गया अलहमदिल्ला। इस तरह बस क्लिप लगा और लग गया, आपने पुश किया नीचे और क्लिप पे अटक गया और लग गया। सॉरी। दूसरा एक और इसका कॉर्ड ट्रे है जिसको पैक कर देती है। अच्छा, क्या ये भी ग्राफिक कार्ड लगा, आप चाहते हैं उसको यहाँ से यूँ करके आराम से निकल जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं एक और चीज़ की लगाता हूँ, ठीक है। ये इसकी लास्ट ट्रे है जो आराम से बैठ जाती है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बैठती है। ये सिंपल सा ईमो पकड़ना है और ये यूँ, हमें ना कोई स्क्रू की ज़रूरत है ना किसी चीज़ की ज़रूरत है, और ये हो गया है, ठीक है। अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि सिस्टम मेरा कैसा 8-20 है और उसमें कोई स्क्रू नहीं है। इससे माशाल्लाह मेरे को तकरीबन 4 साल से ऊपर हो गए मुझे इस सिस्टम को यूज़ किए हुए, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई इशू नहीं आता। क्योंकि एक तो इस वजह से भी नहीं आता कि मैं IT में हूँ, तो मुझे पता क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला, तो मैं पहले से ही इसको सही कर लेता हूँ। जैसे कि आप, मुझे पता था आज उसकी डस्टिंग लाजमी ज़रूरी हो गई है, क्योंकि परफॉर्मेंस में फ़र्क आ रहा था, तो मैंने आज आपके सामने इसकी देख कितनी मिट्टी निकली है। अब इससे अंदाज़ा लगा कि इस मिट्टी इतनी निकलने के बाद अगर मैं नहीं साफ़ करूँ, साल तक ऐसी रहूँ, तो आप खुद सोचेंगे सिस्टम की लाइफ कितनी रह जाएगी और जल्दी ख़राब होने के इम्कान ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें इसको मेंटेन किया करें, और सिस्टम लेने का मकसद ये नहीं कि सिर्फ चलाओ उसको, थोड़ा इसके नखरे भी बर्दाश्त करना पड़ते हैं भाई। अगर आपको काम निकालना है तो थोड़े नखरे भी बर्दाश्त करें इसके, ठीक है भाई। ये चीज़ हो गई, अब मैं इसको चला के देखूँगा। अब मुझे पता है इसमें जब चलाऊँगा तो इसमें थोड़ा कभी कभी ऐसा होता है कि अब एयर ब्लर मैंने किया था, उसकी एयर बहुत प्रेशर में होती है तो कभी रैम हिल जाती है, तो उसको भी हम देखेंगे। अगर बीप नहीं दिया तो सही है, नहीं बीप दे दिया रैम में कोई इशू हो तो वो एरर दे देगा, तो फिर इसको भी फिक्स कर देंगे हम। चलो ठीक है भाई, तो भाई आज के इतना ही काफ़ी है। आपको समझ आ गया होगा सिस्टम को किस तरह मेंटेन करना है, सफाई कैसे रखनी है,
इसके साथ हमें इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें। जाने से पहले भाई को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।